हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज मैं गया तीर्थ में आई हूँ। आप देखिए, श्री विष्णुपाद वेदी का मंदिर है गया धाम। ये भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है। यहाँ आप देख सकते हैं, अंदर मोबाइल ले जाना मना है, तो हम आपको यहाँ बाहर से दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, अभी दोपहर का टाइम है, मंदिर खाली है, वरना यहाँ बहुत भीड़ होता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, भगवान विष्णु का बड़ा चरण चिन्ह है, और यहीं पर भगवान का चरण चिन्ह के कारण सब लोग पिंडदान करते हैं। बहुत सुंदर है मंदिर। इधर मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर में, से बाहर से आप कर सकते हैं, मोबाइल बाहर में जमा करना पड़ता है। तो आगे भी हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान का, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। तो ये देख सकते हैं आप भगवान का दर्शन। हरी बोल। देखिए, बहुत स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर के लगभग पास में ही है विष्णुपाद मंदिर, सबसे पहले पड़ता है। इधर में पूरा मंदिर का ये सब बाहर का प्रांगण है, जहाँ भक्त लोग इकट्ठा होकर के, सभी लोग यहाँ पर ज़्यादा करके पिंडदान के लिए ही आते हैं। हम सब भक्तों का समूह में आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, और कुछ भक्त लोग पिंडदान करेंगे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा, अभी दोपहर का वक्त है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है, मंदिर खाली है। हम लोग को बहुत सुंदर दर्शन भी मिला भगवान विष्णु का चरण चिन्ह का। शाम के वक्त अब यहाँ पर बहुत सुंदर आरती होगा, फिर हम आपको और दूसरा भी दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए हरी बोल। कृष्णा। ये माता सीता का चरण चिन्ह है फल्गु नदी के पास का। अब हम लोग फल्गु नदी दर्शन करते हैं। ये फल्गु नदी है, ये फल्गु नदी में नहीं गहराई है। ये फल्गुनु नदी के पास में सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है, यहाँ राम सीता मंदिर है। यहाँ पर पिंडदान किए थे, वही राम सीता का मंदिर है। यहाँ सूर्यदेव हैं साक्षी के रूप में। सब फल्गु नदी का पूरा बाहर का वातावरण है, सब भगवान राम सीता के ही बारे में, पूरा उनकी लीलाओं के बारे में एक एक चीज़ का बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप पिंडदान के लिए ही आए। ये देखिए, अक्षय वट वृक्ष है, यहाँ पर भी पिंडदान होता है। यहाँ पर करने से अच्छा मोक्ष लाभ होता है। ये कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पिंडदान के लिए आप धाम के यात्रा कर सकते हैं। अगर ये देख सकते हैं, सीता कुंड है, सीता कुंड बिहार। पास से दिखाते हैं हम आपको, ये फल्गु नदी। बहुत ही सुंदर है जल, स्नान भी सब लोग कर रहे हैं यहाँ पर। वट वृक्ष पूरा, सब दोपहर का वातावरण है। शाम को और देख सकते हैं, सुबह में यहाँ पर पिंडदान वगैरह होता है। तो फल्गु नदी का दर्शन करिए आप सब लोग, और बताइएगा आपको कैसा लगा ये गया की यात्रा का। आपको गया की यात्रा के बारे में थोड़ा दिखाएंगे। इधर का पानी गहरा है, और उस साइड का जिधर देख रहे हैं आप, उधर रेत है। उधर जहाँ पिंडदान होता है, उधर हाथ से पानी को हाथ डाल करके बालिका के अंदर से निकाला घूटना पड़ता है। हरे कृष्णा। माता सीता का फाल्गुनी नदी के पास में माता सीता का चरण चिन्ह है। यहाँ पे भक्त लोग अपने आप से बालिका लेकर के उनका तीन ये गोला बनाते हैं, ये गोला बना करके पिंडदान कर रहे हैं। ऐसे ही अपने आप से, मतलब कोई ब्राह्मण नहीं है यहाँ, अपने आप से सीता माता के नाम से यहाँ रखा जाता है। ये मंदिर है, यहाँ पे उनका चरण चिन्ह है। ये वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सीता कुंड है, ये फल्गु नदी के पास का है। यहाँ पे दशरथ जी का हाथ बना है, जो नदी से बाहर हाथ निकालते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर, वहाँ दशरथ जी हाथ निकाल करके सीता माता से पिंडदान की याचना करते हैं। राम और लक्ष्मण जी यहाँ पर वनवास काल में आते हैं, अपने माता पिता को, अपने पिताजी को, दशरथ जी को पिंडदान देने के लिए। तो भगवान वहाँ पर आते हैं, तो भगवान पिंडदान का सामान लेने जाते हैं, और सामान ले करके वो उनका लेट हो जाता है। तो माता सीता से बोलते हैं, दशरथ जी बोलते हैं कि हमें पिंडदान दो बहू,
हमें निकलना है क्योंकि हमें पुत्र से पिंडदान नहीं लेना है, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता से हमें श्राप मिला है। इसलिए देखिए मंदिर में अलाउ नहीं है, बाहर से दिखा रहे हैं। तो श्रवण कुमार से हमें श्राप मिला है, इस वजह से हम अपने पुत्र से नहीं ले सकते हैं पिंडदान। तो पिंडदान के टाइम में सीता माता बालिका से बोलती हैं, हम क्या दें, मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं। तो दशरथ जी बोलते हैं बालिका से ही हमें दे दो तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो वो हमें बालिका से, इसलिए यहाँ पे बालिका से, बालू से ही पिंडदान करने का प्रथा है। ये मंदिर का प्रांगण है बाहर का, इसके जल की धारा बहुत सुंदर है। अंदर पूरा बालू का है, बालू का पूरा बना है। सीढ़ी यहाँ से है पर नीचे में पूरा बालू है, पानी के अंदर पूरा बालू है। वैसे डूबने का कोई डर नहीं है, गहराई ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं सब भक्त लोग भी बैठे हैं। यहाँ पर गहरा नहीं है, नहाने का भी है, नहा सकते हैं। हरि बोल, फाल्गु नदी की जय, हरे कृष्ण। यहाँ पर ब्रह्मयोनि पहाड़ है, आप देख सकते हैं ये पहाड़ी है, 850 सीढ़ियाँ हैं इसमें। ये अब मंदिर वहाँ से दिखाई दे रहा है, देखिए आप जूम करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का उत्तर पश्चिम, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मंदिर है, तो चारों तरफ से उनका मुख दिखाई देता है। ये सीढ़ियाँ हैं, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये 850 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे, आगे जा कर के ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा। तो यहीं से हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। ये भी गया का एक मुख्य स्थान है, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं ये मंदिर दिख रहा है। ये पूरा पहाड़ी जगह है, ये देखिए गया में जितने मुख्य मुख्य स्थान हैं, हम आपको उसका दर्शन कराएंगे। ये सब है, ये तो इतना तो मुश्किल है मेरे लिए चढ़ना, तो मैं नहीं चढ़ रही हूँ यहाँ पर, इधर से ही मैं प्रणाम कर रही हूँ। हरे कृष्णा। ये माँ मंगला गौरी का मंदिर है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जगह बहुत छोटा है जाने का, अंदर में एकदम अंधेरा है वहाँ, यहाँ अंदर में लाइट नहीं जलता। माँ के लिए एक बहुत बड़ा सा दिया जलता है। यहाँ पे शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ ये भी है, यहाँ पे माँ का, माता पार्वती का वक्ष स्थल गिरा था, इसलिए इसका यहाँ पे पूजा होता है। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगा है, अंदर में जाने का मार्ग बहुत छोटा है, नीचे से झुक के जाना पड़ता है और अंदर में लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग देख नहीं सकते अंदर में। देख सकते हैं आप अंदर में जाने का मार्ग बहुत कम है, वहाँ लाइट नहीं है। तो कैमरा में हम लोग यहाँ से देखिए, ये सब, ये मंदिर के बाहर का प्रांगण है, ये माँ मंगला गौरी का है, जो 64 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। यहाँ पर भी है, यहाँ पे एक छोटा मंदिर है, इधर भी है ऊपर। ये गया का ये भी सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है, माँ काली का मंदिर है। यहाँ बारिश भी हो रहा है बहुत तेज, सब पूरा दर्शन है। हरि बोल। ये देखिए ये पूरा मंगला गौरी मंदिर का है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत तेज बारिश आ रहा है। मंगला गौरी मंदिर दोनों प्रभु जी, प्रभु जी माता जी। ये श्री अक्षय वट वेदी है, जहाँ माता सीता को अक्षय वट ने साक्षी बनाए थे, इसलिए माता सीता ने इनको हमेशा के लिए अक्षय कर दिया। अक्षय वट को हम लोग दर्शन करेंगे। बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे सीढ़ियों चढ़ करके जाना है, सीढ़ी दर्शन का है, थोड़ा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। हरे कृष्णा। ये अक्षय वट बहुत बड़ा वट वृक्ष है, यहाँ माता सीता ने ये वट वृक्ष साक्षी बना था, तो माता सीता ने इनको अक्षय होने कहा कि हर युग में तुम रहोगे। तो बहुत विशाल है ये, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके, 15-20 सीढ़ियाँ हैं चढ़ के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं अक्षय वट का। तो सब ने
पांच लोगों ने साक्षी नहीं बना, वट वृक्ष ने साक्षी बना। यहाँ दर्शन करने आते हैं, यहाँ अंधेरा में कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत बारिश हुआ है इधर, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर से जो दिख रहा है मैं आपको दिखा रहे हैं। हरे कृष्णा।